आप ऐसे ही पिंपल से परेशान हो, बहुत सारी रेमेडी आपने ट्राई की फिर भी कोई असर नहीं किया, तो मैं आपके साथ ऐसी एक रेमेडी शेयर करने वाली हूँ जो मुझे ये सब पिंपल होते हैं तो मैं ये रेमेडी ट्राई करती हूँ और मेरे थोड़े दिनों में ही ये दूर हो जाता है पिंपल। तो 2 दिन के पहले ऐसे तो बहुत ही बड़ा था, पर मैंने ये रेमेडी ट्राई की तो मुझे असर लगा, तो मैं आपके साथ ऐसी ही रेमेडी शेयर करने वाली हूँ जो आप परेशान हो तो ये जल्दी से दूर हो जाएगा। तो चलिए मेरे साथ। वेलकम बैक टू माय चैनल, मैं हूँ प्रिया और गुजरात सब सभी को प्यार भरा नमस्कार। केम छो, तो आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपके साथ कौन सी रेमेडी शेयर करने वाली हूँ, आपको टाइटल और थंबनेल से पता चल ही गया होगा। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम रेमेडी बताते हैं। तो इसके लिए चाहिए आपको एलोवेरा। जो आपके पास फ्रेश एलोवेरा प्लांट ना हो तो आप मार्केट में भी जो भी एलोवेरा मिलते हैं, या वो एक बात ध्यान रखिए कि वो कलरलेस होने चाहिए। कलर ऐड किया हुआ एलोवेरा वो स्किन के लिए अच्छा नहीं होता, तो इसके लिए आपको कलरलेस एलोवेरा चाहिए। और जिसके पास ऐसे एलोवेरा का प्लांट मिल जाए उसके लिए तो बहुत ही अच्छा है। तो आपको करना कुछ नहीं है, ऐसे ही एलोवेरा प्लांट लेना है, इसको बीच में से ऐसे कट करना है, देख लीजिए ऐसे जेल दिखेंगी आपको एलोवेरा की। उसमें आपको थोड़ी सी हल्दी हमें ऐड करनी है, देख लीजिए थोड़ी सी हम हल्दी ऐड कर लेंगे, हल्दी ऐड करनी है हमें और थोड़ा सा हम शहद ऐड कर लेंगे, उस थोड़ा सा ही हमें शहद ऐड करना है। और सभी चीज़ों को देखो अच्छे से हम इसको ऐसे कर लेंगे और उनको हमारे जो भी पिंपल वाला एरिया है उसको हम अच्छे से रब कर लेंगे। आपको जो स्किन, आपको फेस पे जिस जिस जगह पे पिंपल हो उस सभी जगह को आप ऐसे ही कर सकते हैं, और इसको आप पूरे फेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। वो हमारे फेस के लिए भी एलोवेरा कितना अच्छा है वो सब तो आप जानते ही हो, वो बताने की ज़रूरत नहीं है। तो आप ये पूरे फेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। इसको आपको अच्छे से फेस पे 10 मिनट तक अच्छे से रब करना है। तो फ्रेंड, आप जो मेरे चैनल पे नए हैं या पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे चैनल पे और भी इंटरेस्टिंग वीडियो है तो आप जाके देख सकते हो। तो मैं हूँ प्रिया और गुजरात से हूँ, और मेरे चैनल पे हेयर केयर रिलेटेड, फेस रिलेटेड, कुकिंग वीडियो है, ट्रैवल ब्लॉग है, सभी ब्लॉग है तो आप देख सकते हो। और मेरी चैनल पे जो आपको कोई भी चीज़, कोई भी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, ताकि आगे आने वाली और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहे। देखो आपको इसी तरह से रब करना है, ये आपको दिन में 2 बार करना है। पहली बार आपको जब सुबह उठे तो ये कर लीजिए, फिर शाम, फिर रात को आप सोने से पहले इसको लगा के सो जा सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको इंटरेस्टिंग बताऊँ, जो रेड कलर की कोलगेट आती है उनको थोड़ा सा हम कोलगेट लेके जो भी अफेक्टेड एरिया जहाँ पिंपल है वहाँ हम लगा लेते थे और सुबह देखते थे तो वो सूख जाता था अच्छी तरह से पिंपल। तो वो भी आप कर सकते हो, बट अपने रिस्क पे कर सकते हो, क्योंकि मुझे तो वो असर करती थी, वो रेमेडी, रेमेडी तो नहीं कह सकते पर वो चीज़ मुझे असर करती थी। जो आप पे असर करेगा तो आप ट्राई कर सकते हो। तो इसको हम अच्छी तरह से सूखने देंगे और तो देखो थोड़ी दिनों में ही ये पिंपल हमारा हट जाएगा अच्छी तरह से, और डार्क स्पॉट भी नहीं रहेगा, क्योंकि मेरे स्किन पे ऐसे ही, मेरी स्किन बहुत ही सेंसिटिव है तो मेरी स्किन पे ऐसे ही पिंपल होते रहते हैं। बट मैं ये चीज़ अप्लाई करती हूँ तो मेरे पिंपल भी चला जाता है और ऐसे डार्क स्पॉट भी नहीं रहते। तो आप ये चीज़ अप्लाई कर सकते हो। ये वीडियो कैसे लगे वो कमेंट करके जरूर बताना, और जो इन्फॉर्मेटिव लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।